कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री ने सराहनीय कार्य किए हैं, साथ ही 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज देकर सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया है। ये बात भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने कही। उन्होंने कहा कि 4.5 लाख कृषक परिवारों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान फतेहपुर के तहत झुंब जखाड़ा बरोट मोच में लोगों से पानी और बिजली की समस्याओं को जाना और समस्याओं का निपटारा करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर बड़ी राहत दी है। विभिन्न योजनाओं के तहत भी लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश की बात करें तो गृहिणी योजना के तहत महिलाओं को निशुल्क में सिलेंडर वितरित किए गए हैं। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए भी अनाज की व्यवस्था की गई है। हर घर में निशुल्क नल लगाए जा रहे हैं। इन योजनाओं को लेकर वे लोगों से मिल रहे हैं। कृपाल परमार ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में मनरेगा के तहत भी लोगों को करोड़ों रुपए का लाभ मिलेगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो विशेष मुद्दे ये हैं कि केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से पिछले कुछ सालों से जो लाभार्थी हैं, जैसे जिनको गैस के कनेक्शन मिले हैं, अब जल जीवन मिशन में जिनको नलके मिल रहे हैं या जिनको शौचालय मिले हैं, उन लाभार्थियों से संपर्क करना के लिए जन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। और जो आगामी हमारे कार्यक्रम हैं उसमें है कि हर पोलिंग बूथ पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, उसके लिए युवा मोर्चा भी हमारे पास साथ चल रहा है, जिसके लिए जो कि व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा है। और आजकल कोरोना के कारण जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जा रहा है, मास्क पहन के लोगों से मिला जा रहा है और लोगों को कोरोना के बारे में आगाह भी किया जा रहा है, उनको सावधान भी किया जा रहा है। और हमारी जो पिछले कोरोना काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक्टिव रही है, हम लोगों के बीच नहीं जा पाए लेकिन हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से संपर्क साधा है और पन्ना प्रमुख तक हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। इसलिए जो पन्ना प्रमुख हमारे छूट गए हैं, इस अभियान के दौरान वेवेक्स जो है वो डाउनलोड कराया जा रहा है और उनको सिखाया जा रहा है कि आगामी आने वाले कार्यक्रमों में कैसे उनसे जुड़ा जाए। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।